नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मित्रों, हूँ अशोक यादव, गीतांजलि विद्यालय में आप सबनुं हार्दिक स्वागत करूं छूं। मित्रों, आज आपणे धोरण 7 हिंदी अंदर व्याकरण भणीशुं। अगाउ आपणे हिंदी व्याकरण नी अंदर संज्ञा विषय भण्या। आज आपणे संज्ञाना नाम परथी संज्ञानी जग्याए जे शब्द वपराय छे ए सर्वनाम। तो आज सर्वनाम विषय आपणे तो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विषय में संज्ञा सर्वनाम विशेषण जैसे व्याकरण के प्रकरण पढ़ने में आते हैं, परीक्षा में भी ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण और व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम। सबसे पहले मित्रों, हम सर्वनाम की परिभाषा समझ लें। सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा के स्थान पर, याद रखिए, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया किसे कहते हैं सर्वनाम? वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, इस वाक्य में संज्ञा के स्थान पर कोई और शब्द आ रहा, उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूं, आप देखिए। मैं यहाँ वाक्य लिखता हूं, राम ने कहा राम अच्छा लड़का है। राम ने कहा राम अच्छा लड़का है। राम ने कहा राम अच्छा लड़का है, तो ये सर्वनाम है। क्या है? सॉरी, ये संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर हमें कुछ और शब्द रखना है। तो यहां राम ने कहा, तो राम की जगह हम कोई सर्वनाम और शब्द या अक्षर वर्ण रखते हैं। राम ने कहा, तो यहां रखेंगे राम की जगह मैं। तो राम ने कहा उसको हम काट डालते हैं। राम ने कहा मैं अच्छा लड़का हूं, मैं की जगह। राम ने कहा मैं अच्छा लड़का हूं। तो वाक्य, इस वाक्य में ये संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर हमने और वर्ण रखा है या शब्द रख सकते हैं। राम ने कहा मैं अच्छा लड़का हूं। अगर राम ही कहेंगे कि मैं अच्छा लड़का हूं, तो देखिए, राम ऐसे तो नहीं कह सकता कि राम अच्छा लड़का। आप अपना नाम लेने पर बात नहीं करेंगे, तो अपनी जगह, अपना खुद का जो नाम है उसकी जगह मैं शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर हम बहुवचन में लेंगे तो मैं की जगह हूं। तो मित्रों, आपको याद रह जाना चाहिए कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा के बारे में तो हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था, संज्ञा की जगह जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर ये वाक्य, एक और वाक्य मैं लूंगा, आप ध्यान रखिए। सैनिक बोले, सैनिक लड़ेंगे। सैनिक बोले, सैनिक लड़ेंगे। सैनिक बोले, सैनिक लड़ेंगे। तो ये सैनिक एक संज्ञा है, तो यहां सर्वनाम नहीं आएगा, लेकिन यहां पर जरूर आएगा। सैनिक बोले तो उसको चेक सैनिक बोले हम लड़ेंगे। सैनिक क्या बोले? हम लड़ेंगे। सैनिक कैसे बोले? तो ये बहुवचन का सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? बहुवचन है, क्योंकि मैं की जगह हम। तो फिर से मैं कहता हूं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने एक वचन का वाक्य लिया, एक बहुवचन का वाक्य लिया। राम ने कहा राम अच्छा लड़का है, तो राम
संज्ञा है तो उसके स्थान पर हमने सर्वनाम रखा मैं, या सैनिक बोले सैनिक लड़ेंगे तो यहाँ सैनिक बोले हम लड़ेंगे तो यहाँ बहुवचन का हम सर्वनाम है। तो आपको पता चल गया होगा सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के प्रकार की। सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार है सर्वनाम के, इसकी चर्चा करेंगे। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? सर्वनाम के कुल पांच छह प्रकार है। कितने प्रकार है? छह प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक यानी प्रश्नार्थ सर्वनाम। ये उनके छह है। लेकिन जो इसका पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, उनके भी तीन प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार है। कौन से तीन है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसकी बात करें। तो मित्रों पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वक्ता जो इनके तीन प्रकार है उसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार है उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम की व्याख्या करेंगे तो जो वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम। अपने जो वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला कोई भी व्यक्ति कोई बात करता है तो अपने नाम की जगह वो किसी और शब्द का प्रयोग करता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने देखा, तो क्या देखा हमने यहाँ पे, हमने देखा था कि राम अच्छा लड़का है, राम ने कहा राम अच्छा लड़का है। तो राम ने कहा या मैंने लिखा निश्चय, राम ने कहा राम अच्छा लड़का है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम यहाँ राम की जगह में आएगा, राम की जगह क्या आएगा? मैं उत्तम पुरुष, क्योंकि राम खुद है वो खुद बोलता है लेकिन वो अपने नाम की जगह और शब्द का प्रयोग करता है तब वो उत्तम पुरुष सर्वनाम बनता है। इसी जगह राम ने कहा तो ये वचन है, हमने कहा था सैनिक बोले सैनिक लड़ेंगे, सैनिक खुद बोलते हैं वो अपनी जगह अपने सैनिक की जगह वो हम का शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं हम ये सब उनके उत्तम पुरुष के सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे कि मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने। तो इस तरह आप फिर से याद रखिए कि उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? जो वक्ता या बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम की जगह किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं तब वो सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम मतलब जो व्यक्ति सामने वाले की बात करता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? सामने वाले व्यक्ति की बात करता है। जैसे कि जिस व्यक्ति से बात की जाती है उस व्यक्ति के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करें, दूसरे व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में जब बात करते हैं और जो सर्वनाम आते हैं वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। लेकिन सामने वाले व्यक्ति जो भी हो, जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं इसके बदले जो भी सर्वनाम आते हैं उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो हम एक उदाहरण लेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम का, एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम तो किससे कहते हैं? तुम कहां गए थे? तुम कहां गए? सर्वनाम है तुम।
सामने वाले से बात कर रहे हैं, हम सामने वाले व्यक्ति से बात करते, जिससे बात करते हैं। मान लो कि किसी का नाम महेश हो, तो मैंने नहीं कहा महेश कहाँ गए थे, लेकिन उससे बात करते जब तो हम ऐसे ही कहेंगे तुम कहाँ गए, तो महेश उसका नाम है, तो महेश की जगह मैंने तुम शब्द का प्रयोग किया, तो ये मध्य पुरुष है। अगर बहुवचन में आएगा तो तुम की जगह वहां भी तुम आएगा, एक वचन और दो वचन में तुम सही होता है। ऐसा कई उदाहरण है, तू तूने तुम तुम्हें तुम्हारा, आज तुम्हें कहाँ जाना है, तो बात तो बन गई, आज तुम्हें कहाँ जाना है, तो आज तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम्हें तुम तुम्हारा तुम्हें तुम, ऐसे कई उदाहरण मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण। अब हम बात करेंगे अन्य पुरुष, जो व्यक्ति हमारे साथ जिससे हम बात नहीं कर रहे हैं, खुद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो व्यक्ति जब बात करते कोई अन्य व्यक्ति की बात करते हैं, तब जो सर्वनाम आते हैं उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह इसने उसे ये इन्हें उदाहरण के तौर पर उसे कल उसने मुझे याद किया था, कल उसने मुझे याद किया था, ऐसा कर कल उसने मुझे याद किया था। एक प्रस्ताव करते हैं, क्या कल उसने मुझे क्या कल उसने मुझे याद किया था, उसने व्यक्ति से बोलते इसके बारे में हमारे बारे में अन्य व्यक्ति, तो क्या कल उसने मुझे याद किया था, तो उसने वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है उसने। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है, उसने इसने उसे, ये सब एक वचन के, लेकिन ये इन्हें उन्हें बहुवचन के उदाहरण है। तो ऐसे जो शब्द आते हैं जो भी संज्ञा के स्थान पर उसे सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के ऐसे ऐसे सर्वनाम आते हैं उसे उसके प्रकार प्रकार के नाम दिया जाता है। अब हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम, जो अपने खुद के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। तो वाक्य में पहले आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज के होता है खुद, वाक्य में पहले आए हुए से कोई भी संज्ञा हो पहले आई हुई, और उस संज्ञा से ना खुद का खुद की बात कोई प्रकट हो, ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक सर्वनाम, वह खुद यहाँ आएगा, वह खुद यहाँ आएगा, वह खुद यहाँ आएगा, तो जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं उसके स्वयं की बात कर रहे, वह खुद, तो ऐसे खुद स्वयं आप ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। एक और उदाहरण लेंगे, चिट्ठी स्वयं दाने जमा करती है, चिट्ठी स्वयं दाने जमा करती है, कहीं खुद के दाना देगा क्या, तो चिट्ठी स्वयं दाने जमा करती है, स्वयं है चिट्ठी दाने जमा करती है, ऐसे भी बोल सकती है, लेकिन उसको सर्वनाम हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, तो सर्वनाम चिट्ठी स्वयं, तो चिट्ठी क्या खुद की बात है, इसलिए स्वयं आप ऐसे के उदाहरण ऐसे है जो निजवाचक सर्वनाम कह रहे हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रकार की, अगला प्रकार है और निश्चयवाचक सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस बात को न की है इसके बारे में ही बात होगी, स्पष्टीकरण मिलता है,
इसके बारे में बात की जाती है। इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम के द्वारा, याद रखिएगा, जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा है सर्वनाम हो उससे हमें पास या दूर उसका हमें निश्चय बोध कराए, बोध कराए इसकी ही बात होगी, स्पष्ट बोध कराए। जिस व्यक्ति वस्तु की बात करते हो उसका स्पष्ट बोध हमें कराए, ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह तो यहाँ पे मेरे पास एक चौक है तो मैं इसका बोध कैसे करूँ, तो यह चौक है, यह चौक है, मेरा लिखा है, यह दस्तर है, यह दस्तर। अगर पास में दस्तर पड़ा हो, कहीं पास में दस्तर मैंने रखा कि यह दस्तर हो, मैं अपने पास में चीज वस्तु पड़ी जो है उसको लेकर आऊ, यह दस्तर है, तो यह हमें पता है कि दस्तर की बात की जा रही है, या तो और किताबें हैं, दस्तर है, पुल है, कई सारी चीज वस्तुएं हमें दिखाई देती, लेकिन हमने जो निर्देश किया है उस दस्तर के दस्तर से किया है तो हमें पता चलता है कि दस्तर की ही बात हो। इस तरह वह कोई चीज वस्तु दूर है, पास नहीं, वह पेड़ है, मैं ऐसे तो मैं पेड़ की बात करूंगा क्योंकि पेड़ के पास इलेक्ट्रिक पोल भी है और उसके पास कुछ लड़के खेल भी है, लेकिन मैं लड़के की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पेड़ की बात कर रहा हूं। तो वह पेड़ है, तो पेड़, तो वह जो सर्वनाम आया वो पेड़ की जगह है, तो वह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। यह जो वस्तु पास हो या दूर हो उसका निश्चय निश्चित हमें बोध कराए, ऐसे सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अगला हमारा प्रकार है और निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हमें कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा, ऐसे सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में से जो वाक्य लिखते लिखेंगे बाद में, किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले जो शब्द आते हैं उसे निश्चित वस्तु का बोध हमें नहीं मिलता है, इसके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें कोई शब्द मिलता है लेकिन उसका कोई निश्चित बोध नहीं मिलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह कोकिला की किताब है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा, तो कोई खड़ा है, खड़ा जरूर है लेकिन कौन खड़ा है हमें पता, कोई खड़ा है मेरा ऐसा पास हो रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है लेकिन इस कौन खड़ा है उसका हमें निश्चित बोध नहीं मिलता, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसा जब और उदाहरण लेंगे, प्रीति के पास कुछ तो है, प्रीति के पास कुछ तो है, प्रीति के पास कुछ चीज होती है लेकिन हमें पता नहीं है क्या है, तो कुछ वो भी कौन सा सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हमें पता नहीं चलता कि उसके बारे में लेकिन कुछ है जरूर, तो ऐसे ऐसे तो सर्वनाम है जिससे हमें उसका निश्चय बोध नहीं मिलता, ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला हमारा सर्वनाम का पता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध किसी ना किसी शब्द जो वाक्य में एक ही वाक्य में
दो सर्वनामात्मक जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जैसे कि बात करेंगे सर्वनाम की। संबंध शब्द वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में बे सर्वनाम आवे, बे एक साथ संबंध रखे, यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहवाय छे। मान लो कि आप जो जिसका काम सबसे अच्छा होगा उससे इनाम मिले, बे सर्वनाम आवे। जिसका काम अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। यहां दो सर्वनाम संज्ञा के साथ। मान लो कि महेश और सूरज दो व्यक्ति को हमने कुछ काम दिया है, तो महेश का काम अच्छा होगा या सुरेश का काम अच्छा होगा? जिसका काम अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन हम ये दोनों संज्ञा के स्थान पर जिसका और उसे दो सर्वनाम रखते हैं, दो शब्द रखते हैं, मतलब कि इसका संबंध इससे है। इनाम किसको मिलेगा? जिसका काम अच्छा होगा, तो ये उसे को संबंध रखते हैं। ऐसा एक और उदाहरण लेंगे, जो जन्म लेता है वह मरता है, जो जन्म लेता है वह मरता है। जन्म ले जन्म ले, तो जो ये समस्त जीव के बारे में बात की, समस्त जीव के बारे में कि जो जन्म लेता है वो मरता है, तो जो और ऐसा नहीं होगा जन्म लेता है वह मरता है, ऐसा भी नहीं जो जन्म लेता है मरता है। जो जन्म निश्चित निश्चित बात है कि जो जन्म लेता है वह मरता है, तो जो और वह का संबंध एक ही वाक्य में जो सर्वनाम है वह का संबंध जन्म और मृत्यु का संबंध है, काम और इनाम का संबंध है, तो ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम की हम बात करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नार्थवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी प्रश्न का सूचक हो, जिसके बारे में कुछ प्रश्न किया जाए, जैसे कि तुमने उसे क्या दिया, मैं एक उदाहरण देता हूं, तुमने उसे क्या दिया, तुमने उसे क्या दिया, तो क्या कुछ एक वस्तु की संज्ञा है, नाम लोग किसे है किताब, तो किताब की जगह क्या सर्वनाम रखा है, तुमने उसे क्या दिया, तो प्रश्नार्थ हुआ तुमने उसे क्या दिया। एक और उदाहरण लेंगे, वह किसका मकान है, यह इसका मकान, जिसका भी मकान है उसके बारे में बात है। यह मान लो कि प्रवीण भाई का मकान है, तो पता नहीं है कि प्रवीण भाई की जगह आपने यह शब्द लेकर प्रश्नार्थ किया है कि यह इसका मकान है, तो यह इसका मकान है, तो इसका सवाल यहां इसका जो प्रस्ताव इस शब्द से प्रस्ताव के जिस सर्वनाम से प्रश्न किया गया जिस सर्वनाम से उसे प्रस्तावाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कौन किससे किन किन
ऐसे ऐसे सर्वनाम जो आते हैं उसे प्रश्नार्थवाचक सर्वनाम अथवा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों आज आपने हिंदी व्याकरण में अंदर सर्वनाम से समझा, तमने पण सर्वनाम से जाणवा मळ्युं छे, तमारी परीक्षामां सर्वनाम कोने कहेवाय, सर्वनामना प्रकार केटला होय, तमारे तमने बधी परीक्षाओमां आटला केवो प्रश्न आवे के बधा प्रकारना सर्वनाम भेगा होय एनुं तमारे वर्गीकरण करवुं पड़े के चलो आ बधा प्रकारो प्रमाणे वर्गीकरण करूं, तो कोष्टक बनाववुं पड़े, कोष्टकमां बधा सर्वनामना प्रकारो होय, જે બધા સર્વનામ છે સર્વનામ છે જે પ્રકાર આવતું એમાં લખવાનું હોય, તો આવા બધા પ્રશ્નો તમારે પરીક્ષાઓમાં કે અમતા ગમે ત્યારે તમારે પૂછાતા હોય, ત્યારે તમને જો આ પ્રકારના વ્યવસ્થિત આજે મળ્યા હશે તો તમને ચોક્કસ ત્યાં આવડશે, અને હજુ તમે સમજ્યા તો તમે ફરીવાર વિડીયોને જોજો, ન ખબર પડે તો ફોન કરજો, સ્કૂલે આવજો, પણ જ્યાં સુધી આપણી સ્કૂલ ચાલુ ના થાય ત્યાં સુધી ઘેર બેઠા આપણે સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરીશું, અને એક ખાસ સૂચના મિત્રો એ કે 10 તારીખથી આપણે પરીક્ષા લેવાની છે, એકમ કસોટી ટેસ્ટ એ તમારે ચોક્કસ પરીક્ષા આપવાની છે, તમને વોટ્સઅપ દ્વારા આઈડી પેપર મોકલવામાં આવશે, એક પ્રશ્ન પેપરને તમારે પ્રિન્ટ કઢાવવાની છે, પ્રિન્ટ કઢાયા પછી સપ્લિમેન્ટરી બજારમાંથી ખરીદીને સારા અક્ષરે સુવાચ્ય અક્ષરે લખી 16 તારીખે બજાર પેપર સ્કૂલે જમા કરવાના છે, સાથે સાથે તમને દરેક સાહેબો જે લેસન આપે છે તે લેસન પણ તમે કર્યું જ હશે, ન કર્યું તો કરી નાખજો, એ સારા ચોપડામાં એક ચોપડામાં 3 વિષય કે 2-3 ચોપડા બનાવજો, અને એ બધું જે લેસન તમે કર્યું હોય તે 16 તારીખે લેતા આવજો। બીજી એક વાત કે તમે વિડીયો જુઓ છો તો એ વિડીયોમાં તમે તમારો અભિપ્રાય આપજો, તમે કોમેન્ટ કરજો જેથી કરીને અમને પણ ખ્યાલ આવે કે અમારા વિડીયો જે વિદ્યાર્થીઓ આપણે જોવે છે તેમને કેવો રસ પડે છે, તેમને ક્યાંય કોઈ મુશ્કેલી તો નથી, તો આ બધું ક્યારે ખબર પડે, જ્યારે તમે કોમેન્ટ કરો ત્યારે, તો ચોક્કસથી વિડીયોમાં કોમેન્ટ કરજો, ધ્યાનથી વિડીયો સાંભળજો જોજો, અને જે તે હોમવર્ક અહીંયા આપું છું સાહેબ એ ચોક્કસથી કરજો। તો આજે મારે પણ તમને થોડુંક હોમવર્ક આપવાનું છે, જે હોમવર્ક આપું છું એ ધ્યાનથી સાંભળી લો કે તમારે આજે પરિભાષા સર્વનામના પ્રકાર અને દરેક સર્વનામના ઉદાહરણને શબ્દના રૂપમાં આપેલા છે, તો તમારે થોડુંક વધારીને દરેક સર્વનામના ભવ્ય વાક્યો પણ સાથે લખવાના છે, શબ્દ તો ઉદાહરણમાં લખવાના છે, જેમ કે અહીંયા પુરુષવાચક સર્વનામ છે તો એના 3 ટૂંકા છે, તો ઉત્તમ પુરુષ સર્વનામ તો એના મેં શબ્દો બધા આપેલા છે સર્વનામ, પણ તમારી સાથે જે વાક્યો પણ એવા લખવાના છે કે જેમાં ઉત્તમ પુરુષ સર્વનામ શબ્દ આવતો હોય, તો દરેક પ્રકારના ભવ્ય વાક્યો લખવાના, પ્રકારો લખવાના, આજે ઉદાહરણ જે તમારે ગોતી લખવાના છે, સાથે પરિભાષા પણ લખવાની છે, સરસ મજાના સારા અક્ષરે જે તે લેસન અહીંથી આપવામાં આવે તમારે કરવાનું છે, 16 તારીખે ચોક્કસ તે લેસન જોવામાં આવશે, એનાથી તમારી તમારામાં કેટલી ક્ષમતા છે એનું તમારું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે। તો મિત્રો હવે વળી પાછા આપણે મળીશું આગલા પીરિયડમાં, ત્યાં સુધી રજા આપશો, આવજો, બાય બાય।